Hello students, today we are going to discuss the classification of resources, okay, in this video on the basis of different criteria. First is on the basis of origin, the second basis is exhaustibility, and the third is ownership, and the fourth one is the status of development. Let's see what are the types of resources on the basis of origin. Okay, we can classify the resources on the basis of origin into two groups: biotic and abiotic. Biotic means the resources obtained from living things such as flora, plants, fauna, wildlife, fisheries, livestock. Abiotic resources which are obtained from non-living things like rocks, minerals, okay, etc. Next, on the basis of exhaustibility, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को इंटू टू ग्रुप्स, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल का मतलब होता है बच्चों जिसको कि आप रिप्रोड्यूस कर पाएं या री यूज कर पाएं, ठीक है. ऐसे रिसोर्स विच कैन बी री यूज बाय द पीपल लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये खत्म नहीं होते हैं यूज करने के बाद, ठीक है. इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, तो रिन्यूअल रिसोर्स का मतलब ये है, ठीक है. नॉन रिन्यूअल जिसको कि आप एक बार यूज कर लें तो दोबारा उसको फिलहाल तुरंत यूज नहीं कर सकते, ठीक है. उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको बनने में लगेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, आयरन. एक बार यूज कर लें तो ऐसा नहीं है कि दोबारा उसको फिर से यूज कर सकते हैं, रिसाइकल जरूर कर सकते हैं मिनरल्स को, ठीक है. लेकिन जैसे कोल, पेट्रोलियम है, इसको हमने अगर एक बार यूज कर लिया तो फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो उतना खत्म हो जाता है, ठीक है. और फिर उसको बनने में काफी टाइम लगता है, इसलिए शॉर्ट पीरियड में हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, है ना. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पे हम कर सकते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स. इंडिविजुअल बच्चों की इंडिविजुअल का जो भी है, जैसे आपका घर है, आपका फोन है घर में, आपका टीवी है, आपकी बाइक है, आपकी बाइसाइकिल है, ठीक है, ये सब क्या है, आपके पर्सनल रिसोर्स हैं, ठीक है. तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स, ये आपका है, आपका इस पे अधिकार है, ठीक है. कम्युनिटी रिसोर्स जिसपे एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है, जैसे कि विलेज कम्युनिटी, तो गांव के सभी लोग उसको यूज कर पाए, जैसे कि बरियल ग्राउंड, पास्चर लैंड, ठीक है, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्ले ग्राउंड. देखते हैं ना जो प्ले ग्राउंड होते हैं या पब्लिक पार्क्स होते हैं, सभी लोग है ना सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, शाम को जो है इवनिंग वॉक करने जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं. तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी पर्सनल किसी एक व्यक्ति का है, सिर्फ वही जाके खेलता है, ऐसा नहीं है ना. सभी आते हैं, जो भी उस विलेज में या टाउन में रह रहे हैं आसपास, वो सभी उस पार्क में आते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए. तो जिस रिसोर्स का सभी लोग फायदा उठा सकें या उसका यूज कर सकें, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या, कम्युनिटी रिसोर्स. नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स, यहाँ पर हम बेसिकली रेफर कर रहे हैं ओशनिक वाटर के बारे में, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो पे हम, नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हम इसको डिस्कस करेंगे. तो बच्चों कोस्टल एरिया से, देखिए ये कोस्टल एरिया है ना, ये जो वाइट है, यहाँ से कोस्टल एरिया से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो दूरी है ये है 200 नॉटिकल माइल. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, इसमें जो भी रिसोर्स हैं इस ओशनिक वाटर में, उस पे जो है इंडिया का अधिकार है. और इसके बियॉन्ड, ठीक है, इसके बाद, है ना, इस लाइन के बाद जो है 200 नॉटिकल माइल के बाद, वो जो है इंटरनेशनल रिसोर्स है. उसके बाद के जो रिसोर्स हैं उस पे इंडिया का कोई अधिकार नहीं है. अगर उस इसके बाद, ठीक है, ओशन वाटर में जो रिसोर्स है उसको इंडिया एक्सप्लॉइट करना चाहता है, पाना चाहता है, तो जो इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उससे क्या होगा कि इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नेशनल रिसोर्स हैं, ठीक है, वो नेशनल रिसोर्स है. और इसके बियॉन्ड जो है वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, ठीक है. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों,
द टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो रिसोर्स कितना डेवलप हो पाया है. तो पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व. पोटेंशियल का मतलब बच्चों उस रिसोर्स को हमने अभी जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज किया नहीं है, ठीक है. जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इन वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे अभी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ पे विंड एनर्जी को, रिसोर्स को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को, क्योंकि वहाँ पे थार डेजर्ट है. थार डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो सोलर एनर्जी तो हमारे लिए फायदेमंद है. जहाँ पे गर्मी होगी वहीं पे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं ना. लेकिन हमने अभी उतना वहाँ पे सोलर प्लेट्स नहीं लगाए हैं, उसको हमने यूटिलाइज अभी नहीं किया है, ठीक है. तो जितना हम कर सकते हैं उतना नहीं किया है. तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्स. दूसरा है क्वांटिटी एंड डेवलप्ड रिसोर्स, जिसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमें पता हो. जैसे कोल, आयरन ओर, गोल्ड, ठीक है, ये इंडिया में कितना है, ठीक है, कॉपर कहाँ पर है, क्वालिटी कैसी है, ये हमें पता है, ठीक है. तो इन रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे, डेवलप्ड, ठीक है. इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो अच्छी तरह से हमें पता है, ठीक है. दूसरा है, तीसरा है स्टॉक, ठीक है. ऐसे रिसोर्स जिसको टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास जिसकी नहीं है यूटिलाइज करने की, जैसे कि थोरियम, ठीक है, ये केरला में मिलता है मोनाजाइट सैंड में, ठीक है. इसको यूटिलाइज करने की हमें, हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है. तो इसको एक तरह से हम स्टॉक मान सकते हैं कि वो रखा हुआ है, जिस दिन टेक्नोलॉजी आ जाएगी इसको यूज़ करने की, हमें पता चल जाएगी, हम इसको यूज़ करने लगेंगे, ठीक है. और चौथा है रिजर्व, ये स्टॉक का ही एक पार्ट है बच्चों, ठीक है. लेकिन चलिए आप इसको इंडिपेंडेंटली समझिए. रिजर्व का मतलब ये है कि इसका, कि ऐसे रिसोर्स जिसको कि एक तरह से हमने अभी, हम जानते हैं यूटिलाइज करना, लेकिन हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं. हो सकता है फ्यूचर में उसको यूज़ करें जब हमें इसकी ज़रूरत हो. जैसे कि रिवर वाटर, तो रिवर वाटर अभी जितना हमारे पास है, ठीक है, तो उतना हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको. जैसे कि डैम, डैम बनाकर हम क्या कर सकते हैं, रिवर वाटर पे डैम बनाकर हम उससे हाइड्रो पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अभी हम उतना हाइड्रो पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं रिवर्स पे डैम बनाकर, जितनी हम अभी कर सकते हैं, जितना हमारे पास है अभी कैपेसिटी, ठीक है. क्यों, क्योंकि अभी जो है कोल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, नेचुरल गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. थोड़ी बहुत जगह पे जरूर हम रिवर वाटर पे डैम बनाकर यूटिलाइज कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन हो सकता है फ्यूचर में तेल ना हो, कोल खत्म हो जाए, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जितना यूज हो सकता है रिवर वाटर उतना हम यूज़ करेंगे डैम बनाकर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. तो एक तरह से ये एक रिजर्व है हमारे पास फ्यूचर के लिए, ठीक है. इस कंटेक्स्ट में इसको देखना है आपको, ठीक है. तो ये हो गया बच्चों टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू क्राइटेरियाज. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स यूज, ठीक है, और रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्यों ज़रूरत है, और रिसोर्स यूज के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.